नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। खुशखबरी, सामाजिक मासिक पेंशन में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी, आगामी आने वाली भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज, दैनिक समाचार, इनसे संबंधित सबसे पहले अपडेट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं इस समय की बड़ी ही खुशखबरी के साथ वीडियो में आगे। सामाजिक मासिक पेंशन में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में दे 500 से 750 रुपये जो प्रतिमाह पेंशन राशि है, अब उसको बढ़ा करके न्यूनतम 1000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो मासिक पेंशन दी जाती थी पहले 500 से 750 रुपये प्रति माह, उसको बढ़ा करके नए 2023-24 के बजट में उसको 1000 रुपये कर दिया गया है। जान लेते हैं इसकी और विस्तृत जानकारी, वीडियो में बने रहे, लास्ट तक आपको पूर्ण जानकारी इसकी दी जाने वाली है। बने रहे वीडियो के अंत तक। देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब मिलेगी न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह है पेंशन। राज्य सरकार पर आएगा 2222.70 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार। जी हाँ, नए बजट के अनुसार जो है ये मंजूरी दे दी गई है, अब 1000 रुपये पर माह पेंशन मिलेगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय है कि ले चलते हैं इस समय की और अन्य महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आज की संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई जाने वाली है वीडियो में, बने रहे। राज्य पात्रता परीक्षा, अभ्यर्थियों को प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर ही आपत्ति देनी होगी। सेट 2023 आयोग की तर्ज पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, आंसर की पर आपत्तियाँ भी मांगी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वह विभाग के द्वारा जल्द ही जारी होने वाली है। इससे संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उससे संबंधित जानकारी आप उस वीडियो में ले सकते हैं। चलिए ले चलते हैं इसके अलावा अन्य और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। हाउस कीपर भर्ती, 6 माह बाद भी परिणाम नहीं, 33 पदों के लिए 68 उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापित हुए। जी हाँ, जयपुर से कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाउस कीपर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 6 से 7 महीने बाद भी जारी नहीं हुआ है। यह स्थिति तो तब है जब इस भर्ती में 33 पदों पर मात्र 68 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के विरुद्ध सूचीबद्ध किया गया था। तो बहुत बड़ी खबर है। ले चलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, बने रहे वीडियो के अंत तक। आज की महत्वपूर्ण इस समय की जो है अपडेट आपको दी जाने वाली है, केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए फॉर्म फिलिंग 17 तक। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय में जो है कक्षा प्रथम के लिए जो है फॉर्म अप्लाई की जो प्रोसेस है वो 17 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए ले चलते इसके अलावा महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एसएससी एमटीएस का परिणाम हुआ जारी। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है कुल 7368 उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के अंक जो है 6 अप्रैल को जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in इस पर जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यह थी इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी, आगामी आने वाली भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज, इनसे संबंधित जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। धन्यवाद।